फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोग को अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सितंबर महीने में बहुत सारा फोन लॉन्च होने वाला है। तो इस वीक में फर्स्ट वीक में जो आपको टॉप 3 स्मार्टफोन लो प्राइस जो 4G और 5G फोन लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नंबर 1 पर जो अपकमिंग स्मार्टफोन है वह है रेडमी का 11 Prime 5G। ये आपको 6 सितंबर को अमेजोन के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। इस फोन का स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है 4G 64G का 12,990 से लेकर 13,990 के बीच एक्सपेक्टेड प्राइस है। इस फोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD+ TFT डिस्प्ले मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्टर देखने को मिलता है। इसमें आपको सुपर एमोलेड या फिर 5.6 डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। बैक में आपको प्लास्टिक बैक ही देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कैमरा की, तो कैमरा इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 50+2+2 का। और फ्रंट में आपको सेल्फी के लिए 8 MP का कैमरा दिया गया। तो कैमरा के पर्पज से ये फोन काफ़ी ज़बरदस्त है। बस सेल्फी का थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। यह फोन आपको एंड्रॉयड 12 पर रन करेगा। इससे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है मीडिया टेक का Dimensity 700 प्रोसेसर, जो कि 7 nm पर वर्क करता है। और ये 5G प्रोसेसर है, तो आप लोग डे टू डे यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉर्मल गेमिंग वगैरह कीजिएगा तो आप लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देगा। ओवर हीटिंग या लैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं बैटरी की, तो 5000 mAh की काफ़ी लंबी बैटरी दी जाएगी। साथ ही इसमें आपको 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारा नंबर 2 पर जो फोन आता है वह है पोको का M5 4G फोन। इस फोन के बारे में बात करते हैं तो ये आपको 5 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा फ्लिपकार्ट के माध्यम से। और इस फोन का एक्सपेक्टेड प्राइस है 4G 64G का 10,999 से लेकर 11,999 के बीच में। अब बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की, तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD+ TFT डिस्प्ले मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। और इसमें हमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्टर देखने को मिलता है। ये सभी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। बैक में आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा। और कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा जबरदस्त है। 50+2+2 का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। और फ्रंट आपको सेल्फी के लिए 8 MP या फिर 5 MP का सेल्फी के लिए कैमरा दिया जाएगा। बात करते हैं तो ये फोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे मिलेगा। इसे भी आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मीडिया टेक का हिलियो का G99 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 6 nm पर वर्क करता है। और ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। आप लोग को गेमिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। आप लोग हैवी गेमिंग वगैरह इसमें कर सकते हैं। ओवर हीटिंग और लैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी के साथ में इसमें भी आपको 18W फास्ट चार्जिंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं हमारा नंबर 3 पर जो फोन आता है वो है रेडमी का 11 Prime 4G फोन। इस फोन की बात करते हैं तो ये आपको ठीक पोको के M5 का 2 कॉपी है। इसमें आपको 6 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। और 4G 64G का 10,999 से लेकर 11,999 के बीच में इसका प्राइस रहेगा। इसमें भी आपको 6.5 इंच का फुल HD+ TFT डिस्प्ले मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्टर देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। बैक में आपको प्लास्टिक बैग ही देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करते हैं तो इसमें भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 50+2+2 का। और फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी के लिए कैमरा दिया गया है। अब बात करते हैं तो ये फोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे मिलेगा। इसमें भी आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो सेम पोको के M5 वाला आपको मिल जाता है। मीडियाटेक का G99 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 6 nm पर वर्क करेगा। और ये गेमिंग प्रोसेसर है, मैंने पहले बताया। आप लोग गेमिंग वगैरह हैवी टास्क वगैरह इजिली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बैटरी की बात करते हैं तो इसे आपको 5000 mAh की काफ़ी लंबी बैटरी मिलेगी। साथ ही इसमें आपको 18W फास्ट चार्जिंग दिया गया है। तो सेम ही फोन है, सेम रेंज में मिलेगा। बस एक फ्लिपकार्ट पे पोको का आ जाएगा और रेडमी का आपको अमेजोन पे लॉन्च किया जाएगा बस। तो ये तीनों फोन आपको लो प्राइस सेगमेंट बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उसका अनबॉक्सिंग वीडियो डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।